गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज अपन पढ़ेंगे बीए थर्ड ईयर का माइलर लास्ट डचेज वाला पेपर। इसका पॉइंट है रॉबर्ट ब्राउन, दैट इज वाई लास्ट डचेज पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज ए रिसीवर एंड आई थॉट दैट इज वंडर नाउ दैट आई नो देम वर्ड विजिबली ए डे एंड रेयर सेंटेंस विल नॉट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर। तो दी लाइन्स आर फ्रॉम रॉबर्ट ब्राउनिंग पोएम एंटाइटल्ड माई लास्ट डचेज। द पोएम इज ए ड्रामेटिक मोनोलॉग। द सीन ऑफ द मीटिंग बिटवीन द ड्यूक एंड द कोर्ट एंड वो इज ए डाइनिंग रूम ऑफ द ड्यूक। द ड्यूक हू इज ए विडोवर इज नेगोटिव मैरिज विद ए कोर्ट्स डॉटर। द ड्यूक इज प्रीवियस वाइफ इज डेड। The courts and will visit the Duke with a fresh proposal of marriage. The Duke takes him to his art gallery where there is a portrait of the Duke's previous wife. The Duke removes the curtain and shows him the portrait of his last Duchess. The Duke pointing towards the painting of the Duchess tells the courts and will that the picture looks as if the Duchess were still living. The Duke regards it a wonderful painting and thinks that it has been beautifully done by the painter Parapendol. This painter worked throughout the day and after his day's labor. The picture as painted on the wall was ready. The Duke cunningly reveals that he could not trust anybody to paint the picture except a monk. Parapendol was a monk painter. Moreover, the artist was permitted only a single day to complete the portrait. The Duke asked the envoy to sit down and look at the painting of his wife. His request to sit almost seems an order that reveals the Duke's haughty nature. अब इसकी इसमें क्रिटिकल नोट्स है। पॉइंट है द यूज ऑफ द वर्ड माई डिनोट्स एन एटीट्यूड ऑफ प्रोपरशिप इन द ड्यूस टू वर्स इज वाइफ। सेकेंड पॉइंट है दैट इज माई अलाइव द ड्यूक एप्रिसिएट हिज वाइफ पोर्ट्रेट थ्रू दो एज वी लर्न लेटर ही डिड नॉट लाइक द क्वालिटीज। थर्ड पॉइंट है फेरा फायर लिटरली मीन्स ब्रदर रेफर टू द मेंबरशिप ऑफ रोमन कैथोलिक ऑर्डर और ब्रदरहुड्स। फोर पॉइंट्स है हेरापेंडोर एन इमेजरी आर्टिस्ट। अब सेकेंड स्टेंजा है आई सेड हेरापेंडोर माई डिजाइन फॉर नेवर रीड स्टेंजर्स लाइक यू दैट पिक्चर काउंटेंस द डेप्थ एंड पैशन ऑफ इट्स अर्नेस्ट ग्लांस वॉट टू माई सेल्फ दैट टर्न सिंस नन पुट्स बाई अ कर्टन आई हैव डाउन फॉर यू वट आई एंड सीम्ड ए दे वुड आस्क मी इफ दे डस्ट हाउ सच ए ग्लांस कैम देयर। तो इन ब्राउनिंग पोइम माई लास्ट डचेज द ड्यूक इज एड्रेसिंग द एनवॉय ऑफ ए कोर्ट हूज डॉटर ही इज गोइंग टू मैरी। ही ड्रॉज हिज अटेंशन टू द पोर्ट्रेट ऑफ हिज लास्ट डचेज नाउ डेड। ही कॉल्स इट ए पोर्ट्रेट डन बाय पैरापेंडोल एंड देन क्वालिफाइज हिज स्टेटमेंट विद द रिमार्क दैट ही डिड सो बाय डिजाइन बिकॉज ही हैड नोटिस्ड दैट वेटर्स वर इंट्रीग्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑन द डचेज फेस एंड ऑलमोस्ट वांटेड टू आस्क व्हाट कॉज्ड इट। मोस्ट ऑफ देम रिटेन्ड दैट क्यूरियोसिटी बिटवीन देयर नॉट बाउंड हिज फीलिंग्स। द ड्यूक्स मीन दैट ओपन पीपल ऑब्जर्विंग द एक्सप्रेशंस ऑफ द पैशन ऑन द डचेज फेस वर सस्पिशियस ऑफ एन अफेयर बिटवीन हर एंड द पेंटर। ही
Generally, therefore, attributed the painting to one Friar Pando, since a clergyman's name would remove all suspicion. He was also particular that no one would he drew the curtain to display the portrait. As a critical note, first point, the words show the disposition of the Duke. He was one who looked upon his wife as a chattel and who could not suffer any expression of intense emotion from her. Now, its second part puts why. Pull as I possessiveness as indicated. आज अपन इतने पढ़ेंगे और कल इसे रिवाइज करना है आपको.